नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूँ लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ, कुछ क्वेरी आ रहे हैं, सर ऐसे स्टॉक से कैसे निकलें जो लोअर सर्किट में हो, जैसे TTML हो गया, जो भी लोअर सर्किट में स्टॉक है, मान लो ऊर्जा ग्लोबल हो गया, जो भी है ये अपर सर्किट लोअर सर्किट लगता रहता है। मैं फिर से आपको बता दूं, इस टाइप के स्टॉक्स पे मेरा कोई भी व्यू नहीं है, कंपनी कहाँ चली जाए नहीं चली जाए, ठीक है, तो मेरा व्यू इस स्टॉक पे नहीं है। मैं चीज़ें आपको बता दे रहा हूँ बस, क्या करना है नहीं करना है। आप जो है टेम्प्ट मत होना और रिएक्ट मत करना इस स्टॉक के ऊपर, मेरा कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है कंपनी क्या करने वाली है नहीं करने वाली। मैं चीज़ें बता दूँ आपको, यहाँ पे देख लो 22 लाख सेलर हैं और सेलर का रेट जो है 80, 85, 90, 95, 172, इस टाइप पे जो है सेलर सेलिंग ऑर्डर लगा के बैठा हुआ है। यहाँ पे देखो बायर कुछ भी नहीं, मतलब सिंगल बायर भी नहीं है आपका, सर सिंगल बायर नहीं है मतलब इसका मतलब स्टॉक बाई सेल नहीं हो रहा, हो रहा है लेकिन आपका फ्रिक्वेंटली बाई सेल नहीं हो रहा। तो ये जो स्टॉक है या तो अपर सर्किट में रहा है पिछले 6 महीने से या लोअर सर्किट में रहा है, इसका कोई ट्रेडिंग डे जो है हुआ नहीं है, चाहे ये स्टॉक हो गया हो चाहे आपका ऊर्जा ग्लोबल हो गया हो, ऐसे स्टॉक से आप दूर ही रहें जो कि मतलब या तो अपर सर्किट में हो या लोअर सर्किट में हो, पता नहीं कौन क्या कर रहा हो। नहीं आपको हिट एंड ट्रायल खेलना है तो पैसा आपका है। तो यहाँ पे देख लो बायर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ सर जी, मतलब कोई बाइंग वॉल्यूम हुआ नहीं है, हुआ है। यहाँ पे देख लो बाइंग वॉल्यूम जो है ऑलमोस्ट 31 लाख का है, लास्ट ट्रेडेड क्वांटिटी LTQ देखो यहाँ पे 1 है, मतलब किसी ने 1 क्वांटिटी खरीदा है। तो यहाँ पे सेलर अवेलेबल है, अगर चाहूँ मैं खरीदना तो खरीद सकता हूँ, मेरा आसानी से बाय हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सेलर अवेलेबल है, लेकिन सेलर चाह रहा है अचानक से पूरे के पूरे स्टॉक वो दे दे, यहाँ पे जब तक बायर नहीं आएगा तब तक वो सेल नहीं कर सकता। अपर सर्किट में क्या होता है, बायर होता है सेलर नहीं होता तो आप बाय नहीं कर सकते। लोअर सर्किट में क्या होता है, यहाँ पे आपका सेलर है बायर नहीं है तो आप सेल नहीं कर पाओगे, लेकिन होगा। मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं करके दिखाई देता हूँ आपको क्या है नहीं है, आपको चीज़ें दिक्कत हो जाएगी। मैं फिर से बोल रहा हूँ मेरा स्टॉक पे रिकमेंडेशन नहीं है, मैं चीज़ें बताने के लिए बता रहा हूँ आपको, ध्यान रखना मेरे 170 रुपीज़ जाएंगे जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है मेरा, वो बिल्कुल ध्यान रखना कंपनी क्या करने वाली है नहीं करने वाली है, क्या हो जाएगा नहीं हो जाएगा बिल्कुल भी नहीं। मैं मान के चल रहा हूँ मैं जो इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो जीरो होने वाला है। तो यहाँ पे देख लो मैं बाई कर रहा हूँ, सेलर अवेलेबल है, लॉन्ग टर्म मतलब मैं पैसे पे करूंगा, लॉन्ग टर्म के लिए मैं बाई करूंगा। मैं यहाँ पे बाई ऑप्शन पे क्लिक किया, यहाँ पे देखो AM ऑर्डर ये नहीं लेने वाला, रेगुलर करता हूँ मैं, यहाँ पे रेगुलर मैं बाई कर रहा हूँ 1 क्वांटिटी लॉन्ग टर्म बाई किया। देखो यहाँ पे मार्केट ऑर्डर आर ब्लॉक फॉर TTML बी प्लेसिंग द स्टॉप लॉस ऑर्डर, समझ गया। तो यहाँ पे लिमिट ऑर्डर प्लेस करो, मार्केट ऑर्डर ये बोल रहा है ब्लॉक है आपका, तो लिमिट ऑर्डर प्लेस करो, बाय के ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ, देखो बाय हो गया। अब मेरे 171 रुपीज़ जो भी है मैं मान के चल रहा हूँ जाएंगे। आप चीज़ें मैं क्लियर कर दूँ आपको, बता दे रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, स्टॉक्स पे मेरा रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, इस पे बिल्कुल भी नहीं है। मैंने दिखा दिया आपको, अगर मैं बाई किया तो यहाँ पे बाई हो गया, सेलर का जो सेलिंग ऑर्डर लगाया होगा उसका 171.80 पे 1 शेयर निकल गया होगा। दिस सेलर का मान लो आपका 10,000 क्वांटिटी सेलिंग में है, 10,000 क्वांटिटी में से 1 क्वांटिटी मैंने बाई किया तो आपका मेरा ऑर्डर आपके साथ मैच हुआ है, तो आपका 1 क्वांटिटी निकल गया, वो मेरे पास आ गया। अब ये मेरा रिस्क है, जितना नीचे आएगा उतना लॉस है, ऊपर जाएगा तो मैं इस टाइप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता ही नहीं, सिंपल पहली बात बताने के लिए बता दिया हूँ, ये मैंने बाई कर लिया। अब मैं दिखा रहा हूँ आपको, अब जो है मैं सेल करने जाऊंगा सेल नहीं होगा, समझ गए आप जो है। अगर मान लो लोअर सर्किट है तो आप बाई कर सकते हो, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब मान लो मेरा ऑर्डर्स पे आता हूँ, मैं ऑर्डर्स पे आ गया, TTML देखो बाई कर लिया मैंने, अब मुझे सेल करना है। मैं एग्जिट पे क्लिक करूंगा, सेल पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे देखो सेल आ चुका है लॉन्ग टर्म, मैं 171.8 पे ही जो रेट चल रहा है उस पर मैं सेल करना चाह रहा हूँ। क्या मेरा सेल होगा, देखो मैं यहाँ पे मार्केट पे शायद लेगा नहीं आपका, मैं सेल कर रहा हूँ मार्केट पे ले नहीं रहा, तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ लिमिट ऑर्डर 171.8 पे है, 171 पर मैं सेल कर रहा हूँ। मैं सेलिंग ऑर्डर प्लेस किया, ये बोला इंट्राडे बीटी स्टेप नहीं कर सकते इसमें, तो सिंपल है, आपने आज बाय किया तो आप जो है जब तक आपका स्टॉक डीमेट में नहीं आएगा तब तक आप सेल नहीं कर पाओगे। तो मैं बता दूं आपको, और आप सेलिंग ऑर्डर प्लेस भी करोगे तो आपका सेल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, सबसे पहले 22,16,000 ऑर्डर मैच होगा, उसके बाद आपने ऑर्डर प्लेस किया है तो आपका ऑर्डर मैच होने वाला है। तो समझ लो जो पहले 22 लाख ऑर्डर है वो मैच हो गया आपका, उसके बाद आपका ऑर्डर मैच होने वाला है। यहाँ पे देखो जो भी है लास्ट ट्रेडेड क्वांटिटी 100 हो गया, किसी 100 के शेयर से भी बाई किया होगा, तो जैसे ही बाई करेगा सेलर से वो ऑर्डर जो है ले रहा है, समझ गए। तो आप सिंगल तरीका है, पहले तो ये ऑर्डर लगा दो आप रेगुलर में, लॉन्ग टर्म में आप ये ऑर्डर लगा के छोड़ देना सेल ऑर्डर, अगर मान लो बायर आता है तो आपका ऑर्डर मैच हो जाएगा, वो काम हो जाएगा आपका। दूसरा जो है, दूसरा तरीका क्या है, आप जो है सेलिंग ऑर्डर लगाना, सेलिंग ऑर्डर जो है 340, अभी चल रहा है 145, जैसे ही आपका 340 होगा, मार्केट क्लोज होता है 330 को, जैसे ही आपका 340 होगा 3:40 PM आप फिर से आना, यहीं पे आना फिर से आप, और यहाँ पे TTML पे आना, जो भी आपका लोअर सर्किट में शेयर होगा यहाँ पे आप क्लिक करना, जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे देखना कोई बायर अवेलेबल है क्या,
अगर 3:40 से लेके 4 PM तक कोई बायर अवेलेबल होगा तो, क्योंकि 3:30 को जो भी आप पेंडिंग ऑर्डर लगाते हो सारा कैंसिल हो जाएगा, तो 3:40 को मान लो कोई बायर यहाँ पे अवेलेबल हुआ तो आप सेल कर सकते हो। तो आना 3:40 को इंस्टेंटली और देखना कोई बायर अवेलेबल है मार्केट में ही, जो भी मार्केट रेट होगा, क्योंकि आप 3:40 से लेके 4 PM तक पोस्ट मार्केट ऑर्डर बोलते हैं, वहां पे आप मार्केट में डिलीवरी स्टॉक्स को बाई सेल कर सकते हो। कोई बायर होगा तो सिंपल है, यहाँ पे क्लिक क्लिक करना सेल पे, इंट्राडे पे नहीं लॉन्ग टर्म पे क्लिक करना, लॉन्ग टर्म ही कर सकते हो, मार्केट पे क्लिक करना और सेल का ऑर्डर पे क्लिक कर देना। अगर ले लेगा तो ठीक है, नहीं तो लिमिट में ही जो भी प्राइस होगा बायर का उस प्राइस पे क्लिक करना, प्राइस पुट करना यहाँ पे और सेल के ऑप्शन पे क्लिक कर देना, आपका काम जो है हो जाएगा। दो तरीका समझ गए, पहला तो आपको सेलिंग ऑर्डर लगाना है मार्केट आवर्स में 9:15 से लेके 3:30 तक, 3:30 तक जिनका ऑर्डर पेंडिंग रहेगा ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, आपको आना है 3:40 PM को, यहीं पे आना है, आपको देखना है वॉच लिस्ट, यहाँ पे बायर कोई होगा जिस प्राइस पे होगा सीधा सेल पे क्लिक करना और उस प्राइस पे जो है सीधा जो है स्टॉक सेल कर देना, दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका क्या है, सेलिंग ऑर्डर आप लगाओ आफ्टर मार्केट ऑर्डर में। आफ्टर मार्केट ऑर्डर क्या होता है, 3:30 के बाद 4 PM के बाद कभी भी लगा सकते हो, डिपेंड करता है ब्रोकर का टाइमिंग कब है, 4 PM के बाद नेक्स्ट डे के लिए आप कभी भी आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगा सकते हो। तो पहले आप ऑर्डर आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगा के छोड़ दोगे तो मॉर्निंग मॉर्निंग क्या होगा कि मान लो यहाँ पे सेलिंग ऑर्डर आपका ऑटोमेटिक चला आएगा, तो कोई बायर अवेलेबल हुआ जैसे देखो लास्ट ट्रेड क्वांटिटी मैंने जैसे बाई किया अभी शेयर्स, वैसे ही कोई बाई करेगा आपका तो आपका शेयर्स जो है ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। ये तरीका समझ गए। या फिर आपका फोर्थ तरीका क्या है, आप मॉर्निंग मॉर्निंग जो है 9 AM को आना, 9 AM को जो है आप 9 AM से लेके 9:07 AM तक प्री मार्केट ऑर्डर लगा सकते हो। तो जो भी जैसे ही आपको सेल करना होगा लॉन्ग टर्म में मार्केट में डिलीवरी में लिमिट में आप कर सकते हो, अगर जीरोधा मार्केट में नहीं लेता है तो लिमिट में जो प्राइस आपको दिख रहा होगा वो प्राइस पुट करना 9 AM से लेकर 9:07 AM तक और सेलिंग ऑर्डर प्लेस कर देना। जो भी आपका ऑर्डर है वो ऑर्डर सेक्शन में दिखेगा आपको, जो भी ऑर्डर है वहां पे देखना 9:08 AM से लेकर 9:15 AM तक आपका ऑर्डर मैच होगा, और ऑर्डर मैच हो गया आपका तो ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा, नहीं और लोअर सर्किट में है उससे पहले आपसे पहले ही कम से कम 1 करोड़ 2 करोड़ ऑर्डर पेंडिंग में है तो आपका ऑर्डर सेल नहीं होगा, कब तक, जब तक ये स्टॉक जो है आपका बायर आता नहीं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, सेलिंग में आप बाई कर सकते हो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैंने बताने के लिए आपको ये स्टॉक बाई किया है, बी का मतलब होता है ट्रेड टू ट्रेड, मैंने देखा मैंने आज बाई किया था सेल कर रहा हूँ नहीं हो रहा है, जब तक ये मेरे डीमेट अकाउंट में नहीं आएगा तब तक मैं सेल नहीं कर सकता। वैसे ही बता दूं ये स्टॉक्स मेरे तरफ से रिकमेंडेशन भी मैं बिल्कुल भी नहीं है, मैंने आपको बस टीचिंग के लिए बताया हुआ है। ऊर्जा ग्लोबल में वैसे ही कर सकते हो आप, जैसे आपको सेल करना है मैंने बता दिया है, यहाँ पे 18 लाख क्वांटिटी है, 40 लाख का ऑलरेडी वॉल्यूम हो चुका है, लास्ट ट्रेड क्वांटिटी देखो कोई बायर होगा बाई किया होगा सेलर से, यहाँ पे ऑर्डर निकल रहा है, सिंपल है। अपर सर्किट लोअर सर्किट वाला स्टॉक्स हमेशा उसी ट्रेंड में ट्रेड करती हो, या तो अपर सर्किट या तो लोअर सर्किट, वो स्टॉक को टच मत करें, छोड़ दें आप, बेटर ऑप्शन रहेगा और पैसे की केयर है तो, और नहीं आपको जो भी चीज़ें करनी है आप कर सकते हो, पैसा आपका है। तो मैंने बता दिया है कैसे आप जो है ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, TTML में लोअर सर्किट स्टॉक्स को कैसे सेल कर सकते हो, तो चीज़ें क्लियर रखो, ऐसे करके जो है आप सेल करो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, और किस्मत रहा बायर रहा तो आपका जो ऑर्डर है मैच हो जाएगा सेल हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो अच्छा हो, वीडियो अच्छा हो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है वहाँ पर जाकर ओपन कर सकते हो, कुछ भी सहायता होता है मैं नाइट को 8 PM लाइव आऊंगा वहाँ पर पूछ लेना, सर्सोसाइट टेलीग्राम इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर जहाँ भी आपको लर्निंग मेरे दिखे ज्वाइन करो, तो तक लिए दोस्तों धन्यवाद।